दोस्तों आप थंबनेल को देख के इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को 5 मिनट समय निकाल के कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे और इग्नोर करोगे तो लाइफ में बहुत बड़ी गलती करोगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल हम लोग जितना भी स्मार्टफोन यूजर है लगभग सभी लोग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को जरूर यूज करते होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल व्हाट्सएप हमारे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हम लोग क्यों यूज करते हैं? किसी के पास मैसेज सेंड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना हो, कोई फोटो भेजना हो या कोई वीडियो भेजना हो, उधर से रिसीव करना हो, वीडियो कॉलिंग बात करना हो, हम लोग जितना भी अपना प्राइवेसी फोटो या डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, अगर हमारा प्राइवेसी फोटो या डॉक्यूमेंट्स अगर लीक हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट फोटो भी मंगाते हैं, उसको देखते हैं, इधर से प्राइवेट फोटो को सेंड करते हैं, लेकिन अगर आपका प्राइवेट फोटो और वीडियो लीक हो जाए फिर आपको क्या होगा, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के जैसा किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जैसे में जीबी व्हाट्सएप हो गया, वाई व्हाट्सएप हो गया, एफएम व्हाट्सएप हो गया, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है जिसको लोग यूज करते हैं। और उसको यूज करने का मेन रीजन यही है कि उसमें व्हाट्सएप के तुलना में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है। आप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीटेड स्टेटस को देख सकते हैं, डिलीटेड मैसेज फोटो और वीडियो को देख सकते हैं, किसी चैट में आप लॉक लगा सकते हैं, बहुत सारे उसमें तरह तरह का फीचर देता है। फीचर के लालच में लोग उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। आप छोटा सा दिमाग लगाइए, आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं जैसे जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप, वाई व्हाट्सएप, इसको प्ले स्टोर पे क्यों नहीं रखा गया? आपको प्ले स्टोर पे वही एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो सर्टिस्फाई हो, यानी कि सही हो। सबसे पहले प्ले स्टोर उस एप्लीकेशन को चेक करता है, उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पे उस एप्लीकेशन को रखता है। अगर वो एप्लीकेशन सही नहीं रहेगा तो प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को जब भी जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप या वाई व्हाट्सएप डाउनलोड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए हम लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और जितना भी परमिशन मांगता है हम लोग सभी परमिशन को अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको एक बात मैं क्लियर करता हूं, बहुत लोग क्या करते हैं अपने गर्लफ्रेंड का प्राइवेट फोटो मंगाते हैं, अपना प्राइवेट फोटो सेंड करते हैं, उससे प्राइवेट वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपका ये वीडियो लीक हो जाए, आपका ये फोटो लीक हो जाए, फिर आपके साथ क्या होगा, आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। आपका ये डाटा लीक हो जाएगा फिर भी आप किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय आप खुद शर्मिंदा में रहेंगे तो आप किसी को बता नहीं सकते हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आप ऑफिशियल व्हाट्सएप यूज कीजिए जो आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। उसमें आपको क्या होगा कि आप कोई भी फोटो, डॉक्यूमेंट्स या वीडियो को सेंड करते हैं तो इन टू इन इंक्रिप्शन रहता है, यानी कि आप जिसके पास भेज रहे हैं उसको पता चलेगा और आपको पता चलेगा, बीच में किसी को नहीं पता चलेगा, यहां तक कि व्हाट्सएप वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप पे क्या भेज रहे हैं, उधर से क्या रिसीव कर रहे हैं, वह इन टू इन इंक्रिप्शन रहता है। तो बहुत ही ज्यादा वो व्हाट्सएप सेफ है और सिक्योर है, वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो प्लीज आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए और ऑफिशियल व्हाट्सएप को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो व्हाट्सएप था वो नॉर्मल एक मैसेजिंग एप्लीकेशन था, लेकिन अब इसी को देखते हुए व्हाट्सएप धीरे धीरे उसमें तरह तरह का फीचर ला रहा है जो कि आपको यूज करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और बहुत सारे ऐसा फीचर को व्हाट्सएप में लॉन्च कर दिया गया है जो कि आपको जीबी व्हाट्सएप में भी देखने को मिलेगा और इस नॉर्मल व्हाट्सएप में भी देखने को मिलेगा। आने वाले समय में और भी इसमें फीचर डाला जाएगा जो कि आपको यूज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे और इस बात को इग्नोर करोगे बहुत बड़ी खतरे में पड़ोगे, और आपको ये बात याद आएगा कि हाँ एक भाई ने बताया था इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करना, उस समय आपको ये मेरा बात याद आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप छोटे भाई के बात को मानोगे और उसको अनइंस्टॉल करके ऑफिशियल व्हाट्सएप को यूज करोगे। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए इसी तरह का जेन्युइन जानकारी पाने के लिए।